नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि डेली ट्रेन है, गोरखपुर से मिलानी के बीच में चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका ट्रेन नंबर है 15009 और ये जो ट्रेन है अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है। तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर है 15009 और ये जो ट्रेन है गोरखपुर जंक्शन से रोजाना चलती है मिलानी जंक्शन उत्तर प्रदेश के लिए। मिलानी से गोरखपुर से मिलानी की जो दूरी है 13 घंटे 25 मिनट में कवर करती है और इसके तकरीबन 27 स्टेशन हैं। 541 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 40 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। LHB कोचेज वाली ट्रेन है। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये गोरखपुर जंक्शन से स्टार्ट होती है, बाद में आनंद नगर जंक्शन, उसका बाजार सिद्धार्थ नगर, शोहरतगढ़, तुलसीपुर, झारखंडी, बलरामपुर होते हुए गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ जंक्शन में पहुंचती है। फिर लखनऊ सिटी होते हुए ये सीतापुर, लखीमपुर होते हुए मिलानी जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर टिकट किराए के बारे में बात करें तो फर्स्ट एसी का गोरखपुर से मिलानी तक का जो टोटल किराया है वो है 2075 रुपये, जिसमें 1916 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, GST चार्ज 99 रुपये है। टोटल किराया 2075 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी की अगर बात करें तो सेकंड एसी का गोरखपुर से मिलानी तक का टोटल किराया है 1245 रुपये, जिसमें 1135 रुपये तो बेस फेयर है, 50 रुपये रिजर्वेशन चार्ज है, 60 रुपये GST चार्ज भी जुड़े जाते हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं, जिसका गोरखपुर से मिलानी तक का टोटल किराया है 880 रुपये, जिसमें 798 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 42 रुपये है। टोटल किराया 880 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म कर लें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं, जिसका गोरखपुर से मिलानी तक का टोटल किराया है 325 रुपये, जिसमें 305 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। टोटल फेयर 325 रुपये बनता है। इसमें कोई GST चार्ज जो है स्लीपर क्लास में नहीं जोड़ा जाता। इसके अलावा गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों की बात करें तो 3 जनरल डिब्बे जो हैं इंजन की तरफ लगाए गए हैं। जनरल डिब्बों का अगर किराए की बात करें तो 170 रुपये के करीब किराया है, जो कि गोरखपुर से मिलानी जंक्शन तक का बता रहा हूं। फिर भी आप अपडेटेड और सही किराया जाने के लिए रेलवे के टिकट काउंटर या वेब से कन्फर्म कर सकते हैं, वहाँ से आपको सही किराया जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करेंगे गोरखपुर से मिलानी तक चलने वाली गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस जो कि गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से हर रोज़ रात को 10:20 पर 7 या 8 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 13 घंटे 25 मिनट बाद मिलानी जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुँचती है और इसके तकरीबन 27 स्टेशन हैं। 541 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 40 किलोमीटर पर आवर। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का है वो है मनीराम। मनीराम में ये ट्रेन जो है रात के 10:40 पर पहुंचती है और 10:42 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 10 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MIM। मनीराम जो है इसका दूसरा स्टेशन है और मनीराम जो है 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। इसके बाद ये ट्रेन जो है PP गंज स्टेशन में पहुँचती है। PP गंज में यह ट्रेन जो है रात के 10:55 पर पहुंचती है और 10:57 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है ऐशबाग, गोरखपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ यहाँ पर इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कैंपायरगंज रेलवे स्टेशन पे रात के 11:15 पर पहुँचती है और 11:17 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 22 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है PJ। इसके बाद आनंद नगर जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 11:23 पर पहुंचती है और 11:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 41 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है ANDN। आनंद नगर जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस जो है ब्रिजमनगंज में पहुंचती है। ब्रिजमनगंज में रात के 11:50 के करीब पहुंचती है और 11:51 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है,
55 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। और ब्रिजमनगंज का स्टेशन कोड है BMJ। इसके बाद गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने 7वें स्टेशन उसका बाजार में पहुंचती है रात के 12:01 पे, और 12:03 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 64 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है UB। उसका बाजार के बाद गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है। सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 12:14 पे पहुंचती है और 12:16 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 72 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद शोहरतगढ़ रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 12:33 पे पहुंचती है और 12:35 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 91 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है SOT। इसके बाद गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है बढ़नी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है रात के 1:02 पे और 1:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 112 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। बढ़नी का स्टेशन कोड है BNY। और इसके बाद ये ट्रेन जो है पेड़वा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। पचपेड़वा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 1:19 पर पहुंचती है और 1:21 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 128 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। पचपेड़वा रेलवे स्टेशन जो है 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है PPW। इसके बाद गोरखपुर से मिलानी तक चलने वाली गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है तुलसीपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 1:41 पर पहुंचती है और 1:43 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है TLR और 151 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। और इसके बाद ये ट्रेन जो है झारखंडी रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है रात के 2:13 पे और 2:15 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसका स्टेशन कोड है JKNI। इसके बाद ये ट्रेन जो है बलरामपुर में पहुँचती है। बलरामपुर में ये ट्रेन जो है रात के 2:25 पे पहुँचती है और 2:27 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। चंपारण हमसफर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 3:30 पे पहुंचती है और 3:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 221 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है और गोंडा जंक्शन का स्टेशन कोड है GD और यहां पर ये ट्रेन जो है सिकंदराबाद गोरखपुर एक्सप्रेस के साथ हर शनिवार को क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है बाराबंकी जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है सुबह 5:13 पे और 5:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 310 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है BBK और यहां पर वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ डेली इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो गोमती नगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। यहां पर सुबह 6:03 पे पहुंचती है और 6:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 330 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बादशाह नगर उत्तर प्रदेश में सुबह 6:14 पे पहुंचती है और 6:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। यहाँ पर डेली मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद लखनऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 6:55 पे पहुंचती है और 7:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। यहां पर इसका 30 मिनट का स्टॉप है और यहां पर इसका इंजन रिवर्स भी होता है और इंजन चेंज भी होता है। यहां पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है लखनऊ ऐशबाग में 7:36 पे पहुँचती है और 7:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 348 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है लखनऊ सिटी में सुबह 7:47 पर पहुंचती है और 7:50 के करीब वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और लखनऊ सिटी का स्टेशन कोड है LC। यहां पर लखनऊ मिलानी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सिधौली रेलवे स्टेशन पे जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेशन है यहां पर सुबह 8:42 पे पहुंचती है और 8:44 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सीतापुर जंक्शन में
सुबह 9:28 पर पहुँचती है और 9:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 435 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। सीतापुर जंक्शन का स्टेशन कोड है STP और इसके बाद ये ट्रेन जो है हरगांव रेलवे स्टेशन में पहुँचती है। हरगांव रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 10:06 पर पहुँचती है और 10:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में सुबह 10:32 पर पहुँचती है और 10:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 481 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है गोला गोकरनाथ रेलवे स्टेशन पे सुबह 11:13 पर पहुँचती है और 11:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन मिलानी जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 11:45 पर पहुँचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। यहाँ तक की जो टोटल दूरी है 541 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों, इसी के साथ गोरखपुर मिलानी एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका